हटा देते हैं इसको। कहाँ? कहाँ पे चेंज स्टाइल? ये बोला, ये तो पूरा छोड़ दो, इसको जरूरत ही नहीं है इसकी। अच्छा इसको हटा देते हैं, हमारा चार कमांड हो गया पिछले होम टाइप का। चलिए इंसर्ट में आते हैं, ये वाला सेक्शन क्लियर है? मेरे ख्याल से टेबल भी आप लोग को पता है। इसमें एक दो तीन पता है, दो नहीं पता है, यानी कि हम लोग ले लेते हैं पिक्चर और क्लिप आर्ट। पिक्चर क्लिप आर्ट, ओके। यहां से लिंक आप लोग को पता है, क्रॉस रेफरेंस, जरूरत नहीं है इसकी फिर भी। क्या था रेफरेंस? REMC, ओके। हेडर फुटर पेज नंबर पता है? टेक्स्ट बॉक्स कुछ नहीं है, ये भी ले ले क्या? ये टेक्स्ट बॉक्स का स्टाइल आ जाएगा सिंपल, आप जो टेक्स्ट बॉक्स लेते हो ना वही है, बट इसमें ऑलरेडी पहले से स्टाइल फील किया हुआ है, वही चीज है, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं, और क्या रह गया? क्विक पार्ट जरूरत नहीं है, वर्ड आर्ट पता है आप लोगों को, ड्रॉप कैप, सिग्नेचर लाइन, इसकी भी जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए इसको, जरूरत नहीं है। डेट एंड टाइम पता होगा, मालूम है ना सिस्टम का डेट एंड टाइम, देख लो, याद आया? इंसर्ट ऑब्जेक्ट नहीं, ठीक है। उसके बाद सैंबल पता है आप लोग को, यानी इसमें चार चीजें मिल गई हम लोगों को इंसर्ट के अंदर, चारों कर लेते हैं, ठीक है। चलिए पहला हम आते हैं पिक्चर पे, इक्वेशन तो हम बता ही नहीं पाएंगे, मैथ का फार्मूला मिलेगा वहां पे आपको, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये एक पिक्चर है, ठीक है। आप इसको ऐसा समझो कि एक हाथ से स्केचिंग किया गया है, ठीक है, और एक तो फोटो खींचा गया है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है? हाथ से जो स्केच किया गया है उसमें आप एडिटिंग कर सकते हो, कुछ मिटा सकते हो, कुछ बना सकते हो, नहीं? लेकिन जो फोटो खींच ली है उसमें कर सकते हो, होने के लिए हो सकता है, लेकिन जो स्केच बना रहा है वो तो तुरंत कर देगा, बस ध्यान रखिएगा। अब ये मेरा खींचा हुआ फोटो है, मान लो ये हमने कैमरे से फोटो खींच लिया, अब इसकी प्रॉपर्टी है, ये हम बाद में करेंगे, पिक्चर की प्रॉपर्टी जो है हम लोग बाद में करेंगे, फिलहाल अभी खाली पिक्चर को समझ रहे हैं। पिक्चर को लेके आए तो ये वो पिक्चर आएगा जो आपके कंप्यूटर में सेव होगा, ठीक है, ओके, जिसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं बट ऐसा नहीं कि ये वाला फोटो को तोड़ के हम निकाल दें, ऐसा चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम लाते हैं क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट में जाइएगा, यहां से सिंपल आपको गो कर देना है, ठीक है। तो ये सर्च फोर है, सर्च फोर में अगर आप कुछ नहीं देते हो तो पूरा दिखा देगा आपको, और अगर कोई आपको पर्टिकुलर किसी चीज को सर्च करना है तो फिर वही दिखाएगा, जैसे FOOTBALL फुटबॉल है क्या इसमें, देखते हैं, ये हेलमेट है, फुटबॉल नहीं मिला, ठीक है। तो हम अगर गो कर दें तो ये सारा चीज दिखा देगा जितने भी इसके पास पड़े हुए हैं, ठीक है, ओके। ये फुटबॉल है, ये हमने ले लिया, ठीक। अब हम क्या चाहते हैं कि ये फुटबॉल का जो कलर है उसको हम चेंज कर दें, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, और यहां हम बोलेंगे एडिट पिक्चर, सॉरी चेंज पिक्चर, ये एडिट पिक्चर, ठीक है। जैसे एडिट पिक्चर पे गए अब हम इसके एक एक पार्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं, यानी पिक्चर टूट गया, दिख रहा है आपको, कलर चेंज करके दिखाते हैं आपको, ये येलो की जगह हम ब्लैक कर देते हैं, हो गया। तो क्लिप आर्ट को आप ब्रेक कर सकते हो, इस पिक्चर को आप ब्रेक नहीं कर सकते, क्लियर हो गया, समझ में आया?
ये हम लेके आए हैं और हम चाहते हैं कि ये जो लाइन आ रहा है ना इसका, ये वाला रेड लाइन, इसको हम कलर चेंज कर दें, चेंज सॉरी ये पिक्चर है, ये क्लिप आर्ट नहीं है, नहीं तो आपको यहाँ पे दिखाता एडिट पिक्चर। ठीक है, स्मॉल कलेक्शन आ गया ना। दूसरा देखते हैं, ये टीचर है पढ़ा रहा है, इसका ब्लैक बोर्ड का हम कलर चेंज कर देते हैं, जो पीछे बोर्ड बड़ा हुआ है वो ब्लैक बोर्ड, वो ग्रीन बोर्ड नहीं है, वो ब्लैक बोर्ड है, तो हमने इसका कलर चेंज कर दिया और पीछे वाला साइडों का भी कलर चेंज कर दिया, लाइन का भी कलर चेंज करना पड़ेगा, लाइन है लाइन नहीं है, और ऑब्जेक्ट है इसके अंदर। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये था क्लिप आर्ट और पिक्चर दोनों का फर्क। ठीक है, तो क्लिप आर्ट को तोड़ सकते हैं और पिक्चर को तोड़ नहीं सकते हैं। क्लियर हो गया दोनों चीजें? अच्छा, इसके बाद अगला है आपका इंसर्ट ऑब्जेक्ट। अभी हम पहले क्या काम किए थे पेस्ट स्पेशल के लिए, कि हम पहले पेंट प्रोग्राम में गए थे, उसको ओपन किया, वहां पे हम कुछ बनाए, फिर क्लोज किया, तो वो चीज यहाँ आ गया, यही काम किए थे। अब हम क्या करते हैं, इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाते हैं और हमको पता है कि हमको पिक्चर कहाँ से लानी है, हमको पेंट प्रोग्राम से पिक्चर लाना है। ठीक है, तो ये देखिए बिटमैप इमेज, बिटमैप इमेज पेंट प्रोग्राम के पिक्चर को कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस प्रोग्राम में बनाई गई फाइल को क्या कहते हैं। ठीक है, तो बिटमैप इमेज जो होता है वो पेंट प्रोग्राम का पिक्चर होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे पता चलेगा। और एमएस वर्ड की फाइल को डॉक फाइल बोलते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल, जब आप सेव करते हो तो डॉक्यूमेंट सेव होता है, दिख रहा है आपको ऊपर। तो बिटमैप इमेज सेलेक्ट किया और हमने कहा ओके, तो देखिएगा क्या होगा, पेंट प्रोग्राम ओपन हो गया। यहाँ पे हम कुछ बनाते हैं, सेम प्रोसीजर है, बस फर्क इतना है कि आप पहले ओपन करते हो ये ऑटोमेटिक ओपन करता है और क्लोज कर दिया, आ गया वो चीज वहां। फिर से डबल क्लिक किया, यहां पहुंच गए और इसमें कलर फिल कर देते हैं, हो गया भाई काम। उसमें आपने क्या किया था, प्रोग्राम खोला, बनाया, कॉपी किया, यहां पेस्ट स्पेशल किया। ठीक है, इसमें आपने क्या किया, सिंपल आपने सेलेक्ट किया कि हमको कहां से ऑब्जेक्ट लाना है, वो प्रोग्राम ओपन हुआ, आपने बनाया और क्लोज किया, कॉपी पेस्ट का चक्कर खत्म हो गया। ठीक है, ये क्या था, इंसर्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हमारा एक चीज रह गया, क्रॉस रेफरेंस ना। क्रॉस रेफरेंस में क्या चीज है जरा देखते हैं एक बार, नंबर आइटम, पैराग्राफ आइटम, ये हमको देखना पड़ेगा कि क्या है ये। ठीक है, हम एक्चुअली भूल रहे हैं इसको। ठीक है, तो इसको अभी रहने देते हैं, बता देंगे आप लोगों को। बहरहाल ये कंप्लीट हो गया इंसर्ट मेनू, कोई दिक्कत? ठीक है ना, अभी आप लोग ये वीडियो है, आप लोग घर पे जाइएगा, एक एक चीज के बारे में आप लोग ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। ठीक है ना,